हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। इस चैनल पे आपको पता है कि सीरीज चालू हो चुकी है, कम समय में हम लोग आपके 2 मार्क के 3 मार्क के या 4 मार्क के सवाल करके दे, ताकि आप लोगों को 5-10 मिनट के अंदर कोई भी सवाल यू ही कर पाओगे यार। बस आपको कभी कभी कुछ सवाल रिप्लाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कम समय है एग्जाम को, और इस समय में ये सीरीज बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। बस इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हम लोग बीट का क्वेश्चन देखेंगे, उसका डेरिवेशन 4 मार्क के लिए एग्जाम में आने के चांसेस है। वाह, क्या अपॉर्चुनिटी है सर। तो चलो यार, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। पहले बीट की डिफाइन लिखनी है। बीट क्या होता है? 2 साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी साइडली डिफरेंट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, इंटेंसिटी यहां पे पीरियोडिकली वेरी होना चाहिए। बस ये 4 चीजें, 2 साउंड वेव्स होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और इंटेंसिटी जो बेटा यहां पे हमारी ऑफ साउंड वेरी पीरियोडिकली विद टाइम, यही डिफाइन लिखनी है। बाद में हम लोगों को देखना पड़ेगा वैक्सीन, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो या साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसको वैक्सिंग कहना है। वैनिंग किसको कहते हैं? जिसकी साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम हो, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, ये भी बोल सकते हैं, उसको वैनिंग बोलना है। वन बीट वन वैक्सिंग सक्सेसिव वन वैनिंग टुगेदर हो तो वन बीट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? देखो यहां पर मैंने लिख के रखा बच्चों, यह आप लोगों को डिफाइन करना है, मैं जो बता रहा हूं यही डिफाइन है, दूसरा कुछ ही नहीं बता रहा हूं। बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ बीट पर सेकंड इज कॉल्ड एज द बीट फ्रीक्वेंसी। हम लोग अब इसका इक्वेशंस करने जा रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि लिख के लेना है तो लिख के ले सकते हैं। ये देखो, चलो ओके, स्क्रीनशॉट निकालना तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते, खटाखट बता दिया मैंने। मैंने जो बताया देखो, यहां पे क्या बोला था मैंने, 2 साउंड वेव्स होना चाहिए, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, इंटेंसिटी यहाँ पीरियोडिकली वेरी विद टाइम होना चाहिए, वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ज्यादा साउंड आती है ना बड़ी, है ना, वैनिंग मिनिमम इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, वन बीट वन वैक्सिंग होती है, सक्सेसिव वन वैनिंग टुगेदर हो तब हम लोग कहते हैं वन बीट, फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग अभी इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे ने अभी तक अगर मेरा पहला वीडियो ना देखा हो, स्टेशनरी मतलब स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए मैंने इक्वेशन बोला था यहां पे, ओके Y1 बोलूंगा पहला, 2 साउंड वेव्स है ना, सुपर पोजिशन करना है तो ए, ओके सर, साइन टॉइस पाई माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये इक्वेशन है। अब मुझे बता, एम्पलीट्यूड सेम है तो A1 A2 नहीं लिख सकते ना, सेम है ना यार, लिखने से फायदा नहीं होगा, बाद में A1 = A2 = A लिखना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, मतलब वेवलेंथ डिफरेंस है बेटा, N1 और λ1 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ रही? V = nλ, तो N और λ1 लिखना पड़ेगा। दूसरी वेव आ गई, ओके सर, ए साइन टॉइस पाई, दूसरी वेव आ गई तो N2t - x λ2, कोई शक है यार, समझ में आ रहा है? लेकिन इस इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है सर। सिंप्लिसिटी क्यों करना है बेटा, मुझे बताओ, कोई भी स्टार्ट से अगर कोई चीज करोगे तो थोड़ी सी सिंपल जाती है, बाद में मैं कहीं तक गया और बाद में मैं करने लगू तो थोड़ा सा हार्ड जाएगा ना, तो इसीलिए इसी इक्वेशन में x = 0 रखना है, सिंप्लिसिटी करने के लिए। लिसनर, सुनने वाला अभी इनिशियल पोजिशन पे है, तो उसकी स्पीड निकालना, ये निकाला, बाकी चीजें जो निकालना है डिस्प्लेसमेंट वो इजी होता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो यक्स जीरो करो तो ये इक्वेशन मिलेगा, y1 = a sin, देखो टॉइस पाई n1t, कोई शक है बेटा? ये इसको जीरो बना दिया मैंने, इसको जीरो बना दिया, इसको भी जीरो बना दो तो y2 = a sin टॉइस पाई n2t। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, क्यों? सुपरपोजिशन, पता है ना सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब दो वेव्स को हम लोग ऐड अप करने जा रहे हैं, अभी सेम डायरेक्शन ही, इसलिए उनका आपको लगेगा ये रिजल्टेंट है एक्चुअली, है ना, ये दोनों इक्वेशन को ऐड क्यों कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, अगर अपोजिट होता तो शायद इसकी वेक्टर फॉर्म में निगेटिव साइंस आती। चलिए रख दो, तो y1 = a sin टॉइस पाई n1t प्लस y2 = a sin
टॉरिस पाई एन टू टी। कोई शक है यार? मुझे एक फार्मूला याद आ रहा है, जिन बच्चों को स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन आती है ना, ये चिटकी में करेगा ये इक्वेशंस। क्यों? सिमिलरिटी इक्वेशन है भैया, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझ, सिंपलिसिटी क्या है, x is equal to 0, बाकी कुछ नहीं, सेम इक्वेशन है। चलिए इक्वेशंस, इसका फार्मूला क्या है सर? साइन सी प्लस साइन डी, इसका फार्मूला है टॉइस साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, ये है। क्या इसमें रख सकते क्या यार? क्या है इसमें रखने का? चलो y, ये टू एज इट इज, हाँ सर, ये a है, हाँ सर, साइन टर्म्स है, हाँ सर, टू पाई यहां पे कॉमन। सर c किसको बोला है? n1 को। d किसको बोला है? n2 को। तो लिख दो सर, देखो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई टू, लेकिन t कॉमन है यहां पे, देखो t भी कॉमन है, t इधर इधर, cos, हाँ सर, टॉइस पाई कॉमन था, c को नहीं, n1 माइनस n2 डिवाइड बाई टू इंटू t। चलो यहां पे थोड़ा सा हम लोग ओके और भी बढ़ते आगे, ये इक्वेशन मुझे मिला, मैं क्या कर रहा हूं देखो, ये फार्मूला और इसको मैंने कंबाइन कर दिया, इसलिए फार्मूला मिला मुझे। अब देखो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू टॉइस ए, इस कॉस वाले पूरे टर्म को उठा के इधर ला रहा हूं, क्यों ला रहा हूं बात समझ में आएगी, कॉस टॉइस बाय एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाय टू इंटू टी, ठीक है बेटा, बचा क्या? साइन टॉइस बाय एन वन प्लस एन टू डिवाइड बाय टू इंटू टी। सर ऐसा क्यों किया, क्या कारण है आपके? बताता हूं कारण क्या बेटा, यहां पे मैं एम्पलीट्यूड लिखने वाला हूं, क्यों लिखने वाला हूं इसका कारण मिलेगा, थोड़ा सोचो, है ना, सोचना भी जरूरी यार, कैसे कर रहे? देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे भैया ए, इसके जगह पे बचा क्या? साइन टॉइस पाई, इसके जगह पे एन टी। सर इतना शॉर्टकट इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब क्या है बताता हूं बेटा, ए के जगह पे मैंने लिखा है टॉइस ए, देखो ए के जगह पे टॉइस ए, कॉस टॉइस पाई एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी लिखा, ओके सर कोई टेंशन नहीं है, और n के जगह पे लिखा मैंने n1 वन प्लस एन टू डिवाइड बाई टू लिखा है। सर इतना इजी और सिंपलेस्ट इक्वेशन बनाने का कारण क्या है? ये एम्पलीट्यूड क्यों है? सबसे पहले दिमाग में सवाल आ सकता है, मुझे बताओ यार यहां पे इक्वेशन लिखने का कारण क्या है, मैं बताता हूं, ये कहां से आ गया भैया। चलो यहां पे a की वैल्यू ये लिखने का कारण बताओ सर, देखो कारण सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड कारण है, हम लोगों ने डिफाइन में पढ़ा था कि दो वेव्स आ रही है, कितनी वेव्स है? टू साउंड वेव्स सुपर पोजिशन हो रही है। तो भैया यहां पे एम्पलीट्यूड सेम है क्या? नहीं, सेम क्या बेटा, यहां पे सेम एम्पलीट्यूड लेकिन साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है, और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कारण ये एम्पलीट्यूड पे कुछ ना कुछ तो करेगी इफेक्ट, और डिफरेंस है इसलिए एन वन माइनस एन टू वाला इक्वेशन रखा हमने। आप बोल सकते ना एन वन प्लस एन टू क्यों नहीं किया सर, एन वन माइनस एन टू वाला इक्वेशन को ही क्यों उठाया? क्योंकि आप लोगों को पता है ये एम्पलीट्यूड पर वेरिएशन करने के लिए हेल्प करेगा, टू ए तो एम्पलीट्यूड है, मतलब ये सब कुछ एम्पलीट्यूड को दर्शाने वाली चीजों को मैंने कैपिटल ए बताया है, समझे क्या बेटा, और ये यन इसलिए कि फ्रीक्वेंसी दिखानी है वहां पर इसलिए दिखा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। तो ये बिट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। अभी बाकी बेटा खेल तो अभी शुरू हो गया है, हम लोगों को अभी वैक्सिंग और वैनिंग दिखाना है, वैक्सिंग एंड वैनिंग दिखाना है, ये होगा, आप लोगों को इक्वेशंस याद होना चाहिए ए का। अब हम लोग वैक्सिंग देखने वाले, अब वैक्सिंग मतलब क्या सबको पता है, अभी अभी डिफाइन देखी, वैक्सिंग मतलब क्या बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्लस माइनस टू ए है, लेकिन एम्पलीट्यूड की वैल्यू अभी लिखी मैंने, क्या लिखी थी बताओ, टू ए कॉस टॉइस बाय एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाय टू इंटू टी, यहाँ पे ए की वैल्यू ये, यहां पे प्लस माइनस टू ए, टू ए वन जार टू ए, यहां पे वन हो गया, तो यहां पे बचा है कॉस टॉइस पाई एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अच्छा सर प्लस माइनस वन ये मतलब क्या है बता दो सर, कुछ नहीं भैया यहां पे हम लोगों को पता है कॉस की वैल्यू रखनी है एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई टू इंटू टी, यहां पे प्लस माइनस वन कॉस की वैल्यू किसकी हो सकती है पता है बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू वन है यार, कॉस जीरो की वैल्यू वन है कि नहीं है, तो इसलिए जीरो कॉस को हटा रहा हूं, मतलब वन वैल्यू किसकी है, जीरो, बाद में होगा पाई, बाद में टू पाई, डैश 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 होगी वैल्यू,
पहली वैल्यू टी की वैल्यू जीरो मिलेगी, सबको पता है कैसे। अब दूसरी वैल्यू देखो, मुझे ये वैल्यू निकालना, रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रफ वर्क है एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई टू इन टू टी अब पाई। जीरो की वैल्यू तो जीरो मल्टीप्लाई होने से कोई नंबर तो फर्क नहीं होने वाला था। अब देखो ये टू टू मर गया, सॉरी ये पाए पाए मर गया, मुझे टी निकालना था तो ये एन वन माइनस एन टू लिखना पड़ेगा। हाँ या ना यार, समझ में आ रहा है कि पहली वैल्यू मिल रही है जीरो, दूसरी मिल रही है एन वन माइनस एन टू। अब टू पाई रखो यहाँ पे, टू पाई तो टू पाई रखने से टू पाई मर गया, ये टू ऊपर जाने वाला है तो ऑब्वियसली टू एन वन माइनस एन टू, यहाँ पे थ्री पाई की वैल्यू थी ना, तो बाद में आपको थ्री एन वन माइनस एन टू ये वैल्यू मिलेंगी। दोनों में से कोई भी सक्सेसिव निकालना, मतलब एक के बाद दूसरी वैल्यू का डिफरेंस निकालू, इसी को पीरियड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? पीरियड कहते हैं। तो ये करो एन वन माइनस एन टू माइनस जीरो करने का कोई मतलब नहीं, तो पीरियड मिलेगा वन एन वन माइनस एन टू, ये पीरियड है बेटा, ये क्या आपके पास पीरियड। और बीट फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालना रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो एन वन माइनस एन टू ये रेसिप्रोकल है। बात समझ में आई? ये वैक्सिंग के बारे में, आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू, पीरियड और बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी। सेम टू सेम हम लोग वैनिंग में भी सेम करने वाले प्रोसेस, खाली एक की वैल्यू मिनिमम होगी बेटा, मिनिमम क्या होने वाली है, मिनिमम, बस कुछ नहीं। चलो अब मिनिमम करते हैं वैनिंग। अब वैनिंग में हम लोगों को करना है मिनिमम, तो ए की वैल्यू जीरो होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा जीरो मिनिमम। मतलब चलो ए की वैल्यू मुझे पता है टू ए कॉस टॉइस बाय एन वन माइनस सेम एन टू डिवाइड बाई टू जीरो। अब ये टू ए इधर जाएगा तो जीरो होगा नहीं, अरे डिवाइडेड बाय जाएगा ना, तो जीरो डिवाइड बाय टॉइस बाय जीरो ही होगा। मेरे बच्चे पूछते टू ए कहाँ गया, मेरे घर पे नहीं बैठा, उसको हकाल दिया है, ठीक है। अब कॉस जीरो वैल्यू किसकी हो सकती है, 90 की होते ही नहीं, तो कॉस को निकालो, बस वैल्यू डालो एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाय टू, ये टी है यहाँ पे बचा है, ये टी यहाँ पे टी, तो ये वैल्यू होती है बेटा एक तो पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव बाय टू, ये इसकी वैल्यू है, डैश लिख सकते हैं। मुझे टी निकालना है, चलो टी की वैल्यू निकालना है तो रफली करके दे रहा हूँ ये, बाद में समझना पड़ेगा आपको टी। पहली वैल्यू पाई बाय टू है, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ ये पाई मर गया, ये टू मर गया, टी की वैल्यू होगी बेटा ये डिवाइड आएगा टू, ये भी एन वन माइनस एन टू होगा। मतलब पहली वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वन डिवाइड बाई टू एन वन माइनस एन टू। ऑब्वियसली मतलब जहां जहां पाई बाय टू है वहां क्या लिखने, देखो पाई बाय टू के लिए वन बाय टू एन वन माइनस एन टू लिखना, यहाँ पे थ्री है इसलिए थ्री लिखो, पाई बाय टू की वैल्यू तो ये है क्या बेटा, ये है, देखो समझ में आ रहा है, पाई बाय टू की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे फाइव है तो फाइव लिखो, फाइव टू एन वन माइनस एन टू। दोनों में से डिफरेंस निकाल लो सक्सेसिव, इसका और इसका, देखो फाइव है ये, ठीक है, माइनस ये हाफ एन वन माइनस एन टू, इसकी क्या वैल्यू मिलेगी बेटा मुझे बताओ, ये डेढ़ है के लिए डेढ़, थ्री बाय टू मतलब डेढ़, और ये आधा है बेटा वन बाय टू, डेढ़ में से आधा गया तो एक बाकी है, एक बाकी है मतलब यहाँ पे वन एन वन माइनस एन टू। बात समझ में आ रही है ना बेटा, अरे डेढ़ आधा गया क्या होगा सर, वन बाकी है, देखो ना, तो ये वन ऐसे लिख सकता हूँ, पहले भी यही पीरियड मिला था। अब फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, उसका उल्टा करो तो एन वन माइनस एन टू ही वैल्यू मिली, ये है वैल्यू बेटा। ये चार मार्क के लिए सवाल डी सेक्शन में आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसलिए इस सवाल को अच्छी तरह से करवाना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और चार मार्क देने वाला सवाल है। तो चलो यार अगले लेक्चर में मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाय।